हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। आज का टॉपिक हम करेंगे हार्ट डिजीज़ से स्टार्ट करेंगे हम नया सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, जिसमें हम डिजीज़ करने जा रहे हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। बेसिक एनाटॉमी अगर आपको हार्ट की आती है तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, बाकी अगर बेसिक एनाटॉमी नहीं आती है तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूँगी जिसमें बेसिक जो हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है वो हम समझ लेंगे। बट अभी के लिए हम आगे डिजीज़ कंडीशन पे चलते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है कि एक तरीके का हार्ट अटैक होता है, उसको हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट होता है ना, वो किसी रीज़न से कम हो जाता है। ठीक है, और एक टाइम पे हार्ट अटैक वाली कंडीशन आ जाती है जिसमें कि चेस्ट पेन इज़ मेन सिम्टम ऑफ दैट डिजीज़। सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक अकर्स व्हेन ब्लड फ्लो डिक्रीजेस और स्टॉप्स टू अ पार्ट ऑफ हार्ट। ओके, जब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी प्रॉपर तरीके से तो उस टाइम पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है होता है। कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहले इसका जो मेन कॉज है वो है आपका एर्थ्रोस्क्लेरोसिस। एर्थ्रोस्क्लेरोसिस इज द मेन कॉज ऑफ दिस। एंड एर्थ्रोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो प्लेक होते हैं ना, मतलब प्लेक मतलब क्या होता है, फैट होता है, प्लेक होता है फैट। फैट आपका जो बैड फैट होता है वो आपके आर्टरीज में आकर के जम जाता है और क्या करता है, वो ब्लड को सप्लाई नहीं होने देता है आगे, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन कॉज तो आपका एर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो गया। एंड इसके बाद और भी कॉजेस होते हैं, लेकिन जैसे कि आपका हो गया कोरोनरी ऑक्लूजन एंड सेकेंडरी ऑफ वेस्कुलरिटीज़। ठीक है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई, या फिर कोरोनरी आर्टरी एम्बोलाई है, या कोरोनरी ट्रोमा है। मतलब कि कोरोनरी का मतलब है हार्ट से रिलेटेड, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है वो कोरोनरी आर्टरीज़ करती हैं। तो अगर उसमें ट्रोमा हो गया है, कोई मतलब इंजरी हो गई है, या फिर प्राइमरी कोरोनरी वैसोस्पाज्म। ठीक है, ड्रग को यूज़ कर रहा है, लाइक कोकीन हो गया, ये सब ड्रग जो है एफेंड्रीन, ये सब चीज़ें अगर कोई यूज़ करता है तो उसको भी चांसेस हो सकती है। एट्राइटिस हो गया, ठीक है, कोरोनरी एबनॉर्मलीज हो गई, लाइक एन्यूरिज्म या फिर कोरोनरी आर्टरीज की जो डिजीज़ होती हैं, वो सारी डिजीज़ की वजह से भी आपको जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है देखने को मिल सकता है। एंड और क्या हो सकता है कि वो वाले फैक्टर्स जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का सप्लाई है बॉडी में वो कम हो जाए, हार्ट तक ना जा पाए। ठीक है, और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है जिस उसकी वजह से भी हो सकता है। एंड फैक्टर दैट डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी सच एज हाइपोक्सीमिया और सीवियर एनीमिया। ठीक है, इफ़ एनी पेशेंट इज हैविंग एनीमिया। एनीमिया क्या होता है कि RBCs का कम होना, मतलब हीमोग्लोबिन का कम होना बॉडी में। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो उस टाइम पर क्या होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कंप्लीट तरीके से बॉडी को नहीं मिलेगी, एक्चुअली हार्ट को नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वी विल गो फॉर पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर सबसे पहले एर्थ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से तीन कंडीशंस होंगी। फर्स्ट तो आपका एर्थ्रोस्क्लेरोसिस, सेकेंड आर्टरियल स्पाज्म, या फिर थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म। ठीक है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन या एम्बोलिज्म का फॉर्मेशन। तो एर्थ्रोस्क्लेरोसिस होने के बाद क्या होगा, ग्रेजुअल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये आर्टरीज में जाकर के वहाँ जम जाएगा एंड उसकी वजह से जो है आपको मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है आर्टेरियल स्पैज्म है, ये रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसकी वजह से भी मायोकार्डियल इस्कीमिया हो सकता है। नेक्स्ट थ्रोम्बस एम्बोलिज्म, थ्रोम्बस या फिर एम्बोलिज्म दोनों की वजह से ऑक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ऑक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी होने के बाद ये फिर से मायोकार्डियल इस्कीमिया वाली कंडीशन आ जाएगी, मायोकार्डियल इस्कीमिया। इस्कीमिया का मतलब क्या है, डिक्रीज O2। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, O2 डिक्रीज़ हो गया ब्लड में। यहाँ पे मैंने तीन O टाइप कर दिए हैं गलती से, सो डिक्रीज़ हो जाएगा O2। नेक्स्ट नेक्रोसिस हो जाएगी मायोकार्डियल टिश्यूज़ की, जो भी हमारे मायोकार्डियल टिश्यूज़ है उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी। नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ। ठीक है, सेल डेथ हो जाएगी एंड उसके बाद हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया यहाँ पर भी हो गया था, यहाँ पर फिर इसकी वजह से तीन चीज़ें हो रही है, एक तो हाइपोक्सिया हो रहा है, एक नेक्रोसिस मायोकार्डियल टिश्यू हो रहा है, एक एंजाइना हो रहा है हाइपोक्सिया की वजह से। एंड मायोकार्डियल इस्कीमिया जो है उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो गया। यहाँ तक क्लियर है अगर आपको, तो इसके आगे ये करना है कि नेक्रोसिस हो जाएगी मायोकार्डियल टिश्यू में और उसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है, पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पर लाइनिंग वगैरह से क्लियर नहीं है, तो मैंने यहाँ पर नोटबुक में भी लिखा हुआ अपलोड करा है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप डायग्राम से समझें इस बात को कि क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो हमारा नॉर्मल, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, हार्ट में ये जो है कोरोनरी आर्टरीज है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। और अगर कोई पेशेंट है किसी भी रीज़न की वजह से उसमें फैट का फॉर्मेशन हो गया आर्टरीज़ के बीच में, जो आर्टरी है, ये आर्टरी है, इनके बीच में येल्लो कलर का जो है ये है फैट। अगर फैट का एक्यूमुलेशन हो गया है तो क्या होगा कि जो जगह है
वो नैरो हो जाएगी, और नैरो होने की वजह से क्या होगा, आरबीसीज हो सकता है आपस में स्टिक हो जाए, फिर एक स्टिक होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करते करते उनका एक वहाँ पे बंच बन जाएगा। एंड बंच तो बन गया, और दो चीज़ें हो गई, एक तो पहले से फैट का एक्यूमुलेशन था जिसने आर्टरी को नैरो कर दिया था, अब वहाँ पर बंच भी बन गया, अब यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है कि ब्लड जो है अब हार्ट को आगे सप्लाई हो सके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट को जा सके। तो इस कंडीशन में जब हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता है तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के चांसेस होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट विल हैव चेस्ट पेन, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नोजिया, फीलिंग फेंट, कोल्ड स्वेट, फीलिंग टायर्ड, एंड आर्म नेक पेन पेन होगा, जॉ में पेन होगा, शोल्डर जॉइंट पेन होगा। अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स की, तो रिस्क फैक्टर में क्या होता है कि एज, ठीक है, पर्सन का जो एज है, मैन एज 45 और ओल्डर, एंड वुमेन का एज जो है 55 और उससे ज़्यादा एज को हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टोबैको, हाई बीपी की प्रॉब्लम, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का हाई होना, ओबेसिटी होना, डायबिटीज़ होना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक। इफ़ यू टॉक अबाउट डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर हिस्ट्री कलेक्शन, देन ब्लड प्रेशर, फिजिकल एग्जामिनेशन, ईसीजी कर सकते हैं, इको कर सकते हैं, एंजियोग्राफी कर सकते हैं, एंड ब्लड टेस्ट हम उसमें नॉर्मल कराएंगे। एंजियोग्राफी क्या होता है, अभी टेस्ट में मैंने लिखा है वह एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी क्या होता है, एक ना कैथेटर यहाँ से जो आपकी फीमोरल आर्टरी है वहाँ से एक कैथेटर यहाँ पर देख रहे हैं आप ब्लू कलर का, ये दैट इज़ योर फीमोरल आर्टरी, यहाँ से कैथेटर जो ब्लू कलर का है ये कैथेटर है, और यहाँ पे नीचे आर्टरी से इसको एंटर किया गया है यहाँ से। अब ये एंटर होने के बाद ये फिर आगे हार्ट में जाएगा, फिर आर्टरीज में जाएगा, वहाँ पर जो प्लेक की फॉर्मेशन है उसका टेस्ट करेंगे, वहाँ पे प्लेक कितना है कितना नहीं है, दैट इज़ एंजियोग्राफी टेस्ट। नेक्स्ट वी विल गो फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में हम तीन तरीके के मैनेजमेंट करते हैं। फर्स्ट नॉन फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल में हम पेशेंट का लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, डाइट चेंज करेंगे, एंड कार्डिक रिहैबिलिटेशन करेंगे, ठीक है। लाइफ स्टाइल चेंज का मतलब उसके डाइट पैटर्न के बारे में बताना, एक्सरसाइज के लिए बोलना, ये सब चीज़ें हम उसमें करते हैं। नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, मींस अगर जो थ्रोम्बस बन गया है तो थ्रोम्बस को दूर करने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट यूज़ करेंगे, एंटी कोएगुलेंट्स यूज़ करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ करेंगे, वैसोडायलेटर यूज़ कर सकते हैं, लिपिड लोअरिंग एजेंट यूज़ करते हैं, एंड सिम्टोमेटिक ड्रग्स हम पेशेंट को देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी विल गो फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट, तो सर्जिकल मैनेजमेंट सबसे पहले हम पेशेंट का करते हैं CABG, ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं हम एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, एर्थ्रेक्टोमी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि अगर ये ट्रीटेड नहीं हुआ तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आगे हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को हो सकता है शॉक, शॉक के बाद उसको हो सकता है डिसरिदमिया, हार्ट फेलियर, कार्डिक एनोरिज्म एंड पेरिकार्डाइटिस। और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिसमें है कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, मायोकार्डियल जो है रप्चर हो सकता है, राइट वेंट्रिकल इन्फार्क्शन हो सकता है, इनफैक्ट एक्सटेंशन हो सकता है, म्यूरल थ्रोम्बाई, वेंट्रिकुलर एनोरिज्म, पेपिलरी मसल डिसफंक्शन, प्रोग्रेसिव लेट हार्ट फेलियर, एरिदमिया, पेरिकार्डाइटिस, इनफैक्ट एक्सपेंशन, ओके। सो ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो है पेशेंट को हो सकते हैं। नेक्स्ट वी विल गो फॉर नर्सिंग मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने हमेशा कहा कि अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट में आपको लिखना ही लिखना है। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डॉक्यूमेंट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल वॉट डू वॉट, पहले के सारे वीडियोज में मैंने बताया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू वॉट, असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी कंडीशन को असेस करेंगे, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट करेंगे हार्ट रेट के रिदम को, ठीक है, ब्लड प्रेशर को, एनकरेज करेंगे पेशेंट के रेस्ट को कि वो रेस्ट करे और ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो, पेन से हटे, और कुछ हम उसको एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं, रिव्यू साइन एंड सिम्टम रिफ्लेक्टिंग इंटॉलरेंस प्रेजेंट एक्टिवली एक्टिविटी लेवल और रिक्वायरिंग नोटिफिकेशन ऑफ नर्स और फिजिशियन, ठीक है, ऑब्जर्व फॉर वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस ऑफ एनजाइटी, ठीक है, अगर पेशेंट को एनजाइटी है तो उसके लिए पेशेंट को बार बार ऑब्जर्व करते रहना है और उससे पूछते रहना है, एक्सेप्ट बट डू नॉट री इन्फोर्स यूज़ ऑफ डिनाइल, ठीक है, अगर पेशेंट किसी चीज़ को लेने से बार बार मना करता है तो आपको उसको नहीं देना है, मीन्स अगर वो किसी चीज़ के लिए बार बार कंफर्टेबल नहीं है किसी चीज़ को लेकर के, तो उसके लिए आपको उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, प्रेशराइज नहीं करना है, जो वो कहता है उसको डिनाई नहीं करना है, ठीक है, उसकी बातों को भी आपको क्लियर सुनना है, उससे क्या होता है कि पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई उसका सुनने वाला नहीं है और कोई उसकी बात ही नहीं सुन रहा है, अगर पेशेंट की बात को आप ध्यान से सुनेंगे तो वो आप पे एक टाइम के बाद कॉन्फिडेंस के साथ आपसे वो सारी बातें करने लग जाएगा और जो भी उसको दिक्कत होगी वो आपको बताना स्टार्ट कर देगा।
नेक्स्ट उसको रेस्ट प्रोवाइड कराना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को नर्सिंग मैनेजमेंट में करा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इफ़ यू लाइक द वीडियो गो फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बता सकते हैं, अगर आपको और कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जा करके मुझे बता सकते हैं।